ओहो भाई साहब, आज मुझे फिर लेट हो गया भाई अपने काम पे जाने के लिए। दरअसल गाइजर, मैं और सिंचान मिलकर यार अभी साइमन के शोरूम के ऊपर काम करता है, क्योंकि गाइजर अभी हमारे पास भाई कुछ काम ही नहीं बचा यार, और भाई ना ही हमें कोई काम दे रहा था। इसलिए गाइजर, सिंचान और मैंने जाकर भाई साइमन से मदद मांगी, और भाई एक महीने से भाई साइमन के शोरूम के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे यार, और भाई फाइनली लगता है आज हमें हमारा पेमेंट मिलने वाला है। चलो भाई, वो तो बाद में मिल जाएगा, बट यार ये देखो भाई, मैं पहुंच गया साइमन के शोरूम पे, मतलब भाई अपने जॉब के ऊपर यार। और भाई ये देखो गाइजर, सिंचान यहाँ पर भाई बिलिंग का काम करता है, और भाई मैं यहाँ पर यार अपनी कार का काम करता हूँ। वैसे तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग ठीक ठाक पैसे तो कमा लेते हैं, बट यार गाइस आपको पता है भाई मुझे पैसे तो मिलते ही है भाई, साथ ही साथ भाई कितनी सारी बढ़िया वाली सुपर कार चलाने का मौका मिलता है भाई डेली यार, भाई सब मजा तो बहुत ज्यादा आता है। बट भाई मुझे लगता है साइमन आज मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाला है, क्योंकि भाई मैं आज लेट आ गया था यार अपने काम के ऊपर। गाइस यार हम लोग रोज सुबह 10 बजे आते हैं, और भाई ये देखो 11:17 हो गए, और भाई आपको पता है सिंचन सुबह अकेला आ गया था भाई काम के ऊपर, मुझे अकेला छोड़ के घर पे। अबे छोड़ो भाई, अभी क्या ही कर सकता है। वैसे चलो भाई पहले साइमन से बात कर लेता हूँ। हेलो भाई साइमन, कैसा है तू? और फ्रैंकली मैं तो बढ़िया। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे साइमन कैसे बोल रहे हो? हाँ तो भाई क्या बुलाऊं तुझे, रोज ही तो साइमन तो बुलाता हूं मैं तुझे। अरे नहीं नहीं मैंने आज अपने दोस्त के शोरूम पे देखा, उसके सारे के सारे वर्कर्स उसको सर बुलाते हैं। तो अभी तुम एक काम करो, तुम भी आज से मुझे सर बुलाओ। क्या मैं तुझे सर बुलाऊं? अबे भाई तू क्या पागल है, तू मेरा बचपन का दोस्त है भाई, मैं क्यों तुझे सर बुलाऊं? भाई साहब मेरी तो मजबूरी है भाई तेरे शोरूम के ऊपर काम करने की, नहीं तो भाई मैं काम भी नहीं करता। अरे अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तो छोड़ दो मेरा शोरूम और यार फिर कहीं और चले जाओ काम पे, फिर यार तुम्हें उसके मालिक को सर तो बोलना ही पड़ेगा। अबे यार भाई साइमन छोड़ना भाई, क्या तू एक छोटी मोटी बात लेकर बैठा है? मुझे एक बात बता भाई, आज कौन सी कार को डिलीवर करना है? अरे वो तो मुझे नहीं पता है, काम करो सिंचान से जाकर पूछ लो, उसको पता होगा आज कौन सी कार डिलीवर करनी है। अबे क्या भाई साइमन, तू भी तेरा शोरूम होकर भाई कुछ काम ही नहीं कर रहा तू। अबे हाँ तो मैंने तुम्हें काम पे रखा है, उसी चीज के पैसे देता हूँ तुम्हें। जाओ जाओ फटाफट से पूछो सिंचान को आज कौन सी कार डिलीवर करनी है। अरे हाँ भाई पूछता हूँ यार। हेलो भाई सिंचान, कैसा है तू? गुड मॉर्निंग यार। फैंकी भाई आप मुझे भी सर बुला करो। अबे तुझे क्यों सर बोलूं मैं? क्योंकि यार ये देखो मेरा काम देखो कितना बढ़िया है, मैं तो यार पीसी के ऊपर बैठकर काम करता हूँ, और यार यही पर बिल बनाता हूँ, और यार सारे के सारे पैसे मैं ही संभालता हूँ। हाँ तो भाई उसमें क्या हो गया यार? भाई साहब इतना थोड़ी बड़ा काम कर रहा है, मैं तो भाई रोज डेली बढ़िया बढ़िया कार चलाता हूँ भाई। गिर गया यार। फैंकी भाई प्लीज ऐसे काम मत करो यार, नहीं तो साइमन अंकल हमें काम से निकाल देंगे। अबे हाँ भाई सिंचन, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था ऊपर। वैसे बता भाई सिंचन, आज मुझे भाई कौन सी कार डिलीवर करनी है इनमें से? फ्रेंकली भाई आज तो आपको दो दो कार डिलीवर करनी है। क्या बात कर रहा है भाई, दो दो कार? भाई साहब मुझे लगता है आज तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। अरे हाँ यार वो तो करनी पड़ेगी, वैसे तुम सुन लो पटाख से मेरी बात, आपको वो ऑरेंज कलर की कार दिख रही है? हाँ भाई ये वाली ना? बिल्कुल यार वही कार। आपको यार इस कार को माउंट चिल्लियाड के पास एक बहुत बड़ा मेंशन है, वहाँ पर डिलीवर करना है। अच्छा माउंट चिल्लियाड, भाई फिर तो मुझे बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा यार। बिल्कुल यार फ्रैंकली भाई आपको यार बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। और यार आपको वो पहली वाली ब्लैक कलर की सुपर कार दिख रही है? अच्छा ये वाली? अरे हाँ यार बिल्कुल, वो जो लैम्बोर्गिनी की तरह दिख रही है। अबे हाँ भाई सिंचन पता चल गया, पता भाई इसको कहाँ डिलीवर करना है? इसको यार आपको अमीरों के मोहल्ले में डिलीवर करना है। अच्छा अमीरों के मोहल्ले में? भाई ये तो बहुत ज्यादा पास है, एक काम करता भाई सिंचन पहले इसी को डिलीवर करके आता हूँ। अरे आपकी जो मर्जी है उसको लेकर जाओ, पर यार आप एक बात याद रखना, आपको यार किसी भी कार के ऊपर स्क्रैच नहीं डालना है। अगर यार आपने किसी भी कार के ऊपर स्क्रैच मार दिया तो यार आपको उस कार की भरपाई करनी होगी। अरे भाई सिंचन ये रूल कब से आ गया भाई साइमन के शोरूम पे? यार ये साइमन अंकल ने आज सुबह ही बताया मुझे आपको बोलने के लिए। अभी आप एक काम करो, जाओ यार फटाफट से उन दोनों कार को डिलीवर कर दो, और यार अगर किसी कार के ऊपर स्क्रैच वैच आ गया तो यार वो सारी की सारी भरपाई तुम्हारे पैसों से होगी। अब यार भाई ये साइमन का बच्चा भी ना। छोड़ो भाई कोई बात नहीं, चलो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से चलते भाई इस ब्लैक वाली कार को डिलीवर करने के लिए। ओहो भाई साहब क्या बढ़िया लग रही है। वैसे भाई सिंचन तू एक काम कर, मुझे एक परफेक्ट लोकेशन भेज दे भाई उस घर की जहाँ पर मुझे इस कार को डिलीवर करनी है। अच्छा ठीक है भेज देता हूँ। चलो गाइस अब ये काम करते हैं, चलते भाई फटाफट से इस ब्लैक वाली कार को डिलीवर करने के लिए। और भाई एक बार तुम इसकी साउंड सुनो भाई, 1 2 3 ये दे एक्सलेटर। ओहो भाई साहब क्या आवाज है भाई इस कार की। भाई साहब मैं तो सोच रहा भाई मैं भी ऐसी एक बढ़िया वाली कार ले लूं, पर भाई ये साइमन का बच्चा भी ना भाई कुछ ज्यादा पेमेंट नहीं देता मैं। गाइस यार मुझे भाई इस कार को डिलीवर करने के महीने के मिलते भाई 30,000 रुपए, और भाई सिंचान को भाई बस बिलिंग करने के मिलते 50,000 रुपए। यार सिंचान को तो बस भाई बैठ कर काम करना होता है, फिर भी भाई उसको बहुत ज्यादा पेमेंट मिलती है। बट छोड़ो गाइस अभी कर ही क्या सकते हैं भाई, दोनों के पैसे भाई एक ही घर में आने वाले हैं। बट छोड़ो भाई ज्यादा टाइम नहीं लगाते गाइस, और चलते भाई फटाफट से इस कार को डिलीवर करने भाई अमेरिको मोहल्ले में। और गाइस आप लोग को भाई मेरी और सिंचान की मेहनत एकदम बढ़िया लग रही, तो गाइस एक काम कर दो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हां गाइस जाओ यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और भाई अभी तो चलते भाई, एक सेकंड यार भाई मेरी कार अभी ठुक जाती, और भाई ये कार के भाई रिपेयरिंग के पैसे मुझे देने पड़ते। वैसे तो गाइस ये कार बड़ी महंगी है भाई साहब, इसको रिपेयर करने में बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अब भाई क्या ही कर सकते भाई, थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा मुझे इस कार को। बट भाई जब भी मेरे हाथ में इतनी बढ़िया वाली सुपर कार आती है भाई बड़ा भगाने का मन करता है मेरा तो। बट छोड़ो भाई खुद की कार होती तो भाई मैं भगा लेता, बट वैसे गाइस यार भगा तो नहीं सकता मैं। बट वैसे गाइस यार ये देखो भाई मैं लगभग पहुंच चुका हूं अमेरिका मोहल्ले में। बट यार गाइस जब तक मैं इस कार को डिलीवर करता हूं, तब तक गाइस मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूं। तो गाइस यार आज का हमारा पहला शाउट आउट जाता है अपने अर्नव भाई को, इनका बर्थडे आता है 7 अप्रैल को। तो गाइस यार इनका बर्थडे अभी कुछ ही महीनों के अंदर आने वाला, तो गाइस यार एक काम कर देना फटाफट से इनको कमेंट के अंदर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जरूर से लिख देना। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने आयुष ठाकुर भाई को, इनका बर्थडे आता है 12 अगस्त को। तो आयुष भाई मेरे और सिंचान की तरफ
से आपको यार एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता है अब्दुल रहमान भाई को, इनका बर्थडे आता है 14 अगस्त को। और यार उन्होंने मेरे लिए एकदम बढ़िया वाला मैसेज भी लिखा है, इन्होंने कहा है कि लव यू फ्रैंकली भैया। और गाइस आप सभी को भी मेरे वीडियो के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो गाइस एक काम कर देना, पड़ा इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और भाई ये देखो यार मैं लगभग पहुंच चुका हूं यार उस मोहल्ले के अंदर जो लोकेशन भाई मुझे सिंचान ने भेजी थी। बस भाई यही आसपास वाला घर था, कौन सा था भाई, रुको भाई यही वाला घर है। अब एक सेकंड भाई इस घर के अंदर देखो भाई दो दो ऑडी खड़ी है, मुझे लगता है भाई इसी घर के अंदर मुझे इस कार को डिलीवर करना है। हेलो सर मुझे इस कार को यही पर डिलीवर करना है क्या? तुम कौन हो वो तो बताओ पहले मुझे। अरे भाई मैं फ्रैंकलिन क्लाइंटन हूँ और भाई मुझे साइमन ने भेजा इस कार को डिलीवर करने के लिए। पहले तो एक बात बताओ भाई तुम्हें इस कार को खरीदा क्या? अरे बिल्कुल यार मैंने खरीदा इस कार को। अच्छा ठीक है भाई अब तुम एक काम कर दो भाई फटाफट से इस कार की पेमेंट कर दो। अच्छा ठीक है अभी करता हूँ। वैसे बताओ यार कितने पैसे हुए इस कार के? पैसे तो भाई कुछ हुए, रुक जा भाई मुझे पूछने दो भाई सिंचान को कितने पैसे हुए इस कार को। भाई मैं तो पूछना ही भूल गया था। अब यार भाई मैं भी ना भाई हर एक चीज भूल जाता हूँ। रुको भाई पहले तो सिंचान को कॉल लगाता हूँ। ये लगाया कॉल सिंचान को। अरे बोलो फ्रैंकली भाई क्या हो गया, आपने कॉल क्यों किया मुझे? अरे भाई सिंचान मुझे एक बात बता भाई, ये कार जो अभी मैं डिलीवर करने के लिए इसके कितने पैसे लेने हैं? उसके लेने आपको 10 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहा भाई सिंचान, वो कार 10 करोड़ की थी? बिल्कुल यार फ्रैंकली भाई वो कार यार बड़ी महंगी है। एक काम कर दो फटाफट से 10 करोड़ ले लो और यार साइमन के शोरूम पे आ जाओ, आपको दूसरी कार भी डिलीवर करने जाना अभी। अरे बिल्कुल भाई सिंचान अभी आता हूँ, चल भाई रखता हूँ मैं। चलो गाइस भाई मैंने सिंचान का कॉल तो काट दिया। और भाई सुनो यार आपको 10 करोड़ देने मुझे अभी। अरे क्या बात कर रहे हो 10 करोड़? बिल्कुल भाई तुझे 10 करोड़ देने पड़ेंगे अभी मुझे। पर यार साइमन ने तो मुझे 9 करोड़ बोला था। अरे भाई वो सब मुझे नहीं पता भाई, जो हमारा बिलर है उसने मुझे कहा है कि भाई 10 करोड़ देना है। अच्छा ठीक है यार तुम भी क्या याद रखोगे, अभी लेकर आता 10 करोड़ रुपए में। अरे बिल्कुल भाई फटाफट से लेकर आ जाओ भाई, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। अच्छा ठीक है अभी लेकर आता हूँ। चलो यार पहले तो 10 करोड़ लेके आता हूँ, बाद में अपनी वाइफ को लाकर उसका सरप्राइज गिफ्ट दिखाऊंगा, ये बड़ी वाली सुपर कार। पहले तो चलो लेकर आता हूँ पैसे। चलो भाई वो तो घर के अंदर चला गया। वैसे गाइस तुम लोग इस मोहल्ले के अंदर देखो भाई कितने बढ़िया वाले घर है भाई, अभी ये कार वाला उड़ा देता। ये बगल वाला घर देखो भाई इसके एंट्रेंस भाई कितनी बढ़िया है। और भाई इस घर के अंदर भाई 3-3 कार खड़ी है। ओह भाई साहब सही सही ना यार। गाइस यार मैं भी सोच रहा भाई काश यार मेरा भी इतना बड़ा घर होता, तब भाई मुझे ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ता यार। बट खैर कोई बात नहीं यार गाइस, अगर मुझे इतना बड़ा घर खरीदना है तो भाई मुझे भी यार करोड़ों रुपए कमाने पड़ेंगे, तभी भाई मैं इतना बड़ा घर खरीद पाऊंगा। बट यार भाई कैसे आएंगे भाई इतने सारे पैसे मेरे पास? अगर भाई मैं चोरी करता हूँ बड़ी सी तब भाई आ सकता है, बट भाई चोरी करने का मन नहीं करता यार मेरा भाई साहब, मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। अब भाई मैंने अच्छा ही का रास्ता पकड़ लिया भाई, लग गए यार मुझे। हाँ गाइस मैं क्या बोल रहा था, भाई मैंने अच्छा ही का रास्ता पकड़ लिया है, उसी से गाइस अब मैं बहुत सारे अच्छे पैसे कमाता हूँ और भाई खुशी से अपनी जिंदगी जीता हूँ। थैंक यू सो मच यार इन पैसों के लिए। चलो गाइस फाइनली भाई मुझे 10 करोड़ तो मिल गए, बट भाई अब मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे यार? मुझे लगता है भाई मुझे टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। चलो भाई एक काम करता फटाफट से, पहले तो भाई टैक्सी बुक करता हूँ, फिर भाई चलेंगे यार फटाफट से अपने साइमन के शोरूम पे वापस और जाकर भाई दूसरी वाली कार को भी डिलीवर कराएंगे। चलो भाई मैंने फाइनली टैक्सी तो ऑर्डर कर दी। बट गाइस तुम लोग ये देखो भाई ये इंसान जब से भाई अपने फोन पे लगा हुआ है, रुको भाई पूछ लेता भाई इतना क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। हेलो सर आप जब से ये क्या कर रहे हो भाई, जब से फोन में लगे पड़े हो आप? अरे हाँ मैं न्यूज ही वैसे देख रहा हूँ। क्या आप न्यूज देख रहे हो फोन पे? अरे हाँ बिल्कुल यार, मैं इस न्यूज को जरा भी नहीं छोड़ सकता। अरे ऐसी कौन सी न्यूज देख रहे हो तुम जिसमें भाई इतना घुस चुके हो तुम? अरे तुम्हें पता नहीं आज क्या हुआ लॉस सैंटोस के अंदर? अरे नहीं भाई क्या हो गया लॉस सैंटोस के अंदर भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता, बताओ जरा। अरे तुम्हें पता लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत बड़ा शिवर है, मतलब एक नाला यार, उसके अंदर बहुत सारे गरीब लोगों को बहुत सारा गोल्ड मिल रहा है। क्या बहुत बड़ा शिवर है उसके अंदर भाई, बहुत सारे लोगों को गोल्ड मिल रहा है? बिल्कुल यार उसके अंदर बहुत सारे लोगों को पड़ा हुआ गोल्ड मिल रहा है और यार उसी से बहुत सारे लोग अमीर बन गए, कुछ लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े मैंशन भी खरीद लिए। अबे क्या बात कर रहे हो, गरीब लोग इतने अमीर बन गए? अरे बिल्कुल यार तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते उनके पास कितना सारा गोल्ड है। इतना सारा गोल्ड मिल गया ना जिससे कि यार वो लोग अभी 10-10 करोड़ के मैंशन खरीद रहे, एक ने तो 100 करोड़ का मैंशन खरीद लिया। अबे भाई क्या बात कर रहे हो, एक नाले के अंदर इतना सारा गोल्ड कहां से आ गया? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसलिए देख रहा हूँ न्यूज को कि यार एटलीस्ट कुछ तो पता चले कि ये गोल्ड आ कहां से रहा है। अबे हाँ भाई ये बात तो सही है यार। वैसे भाई मुझे बता सकते हो ये न्यूज कौन से चैनल पे चल रही है? अरे ऑनलाइन देख रहा हूँ अपने फोन के ऊपर, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा रुको भाई अभी देखता हूँ, पता नहीं गाइस ये कौन सी न्यूज चल रही है। रुको भाई यूट्यूब के ऊपर चेक करता भाई इसके रिलेटेड कोई न्यूज है या फिर नहीं यार। चलो भाई देख ही लेता हूँ जब तक भाई अपनी टैक्सी आती है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि आप सभी लोग आज देख सकते हो लॉस सैंटोस के अंदर 3 भिखारियों को मिल चुका है बहुत सारे गोल्ड के बार्स। देख रहे हो कितने सारे गोल्ड के बार्स मिले इन 3 गरीबों को, और यार वो भी ऐसे वैसे जगह के ऊपर नहीं, उनको मिले हैं ये सारे के सारे गोल्ड इस बहते हुए नाले के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये तीनों गरीब रातों रात बन चुके हैं इस नाले के मदद से बहुत ज्यादा अमीर। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे पीछे रखे हुए उनके सारे के सारे गोल्ड के ब्रिक्स। और यार मैं आप सभी को अभी बता देना चाहता हूँ ये तीनों गरीब इन सारे के सारे ब्रिक्स को बेचकर बनने वाले हैं बहुत ज्यादा अमीर। अगर आपको भी इतने सारे गोल्ड के ब्रिक्स चाहिए तो आपको भी आना पड़ेगा इस नाले के अंदर और यार बनना पड़ेगा करोड़पति। अबे धक्के रे की ये सब क्या हो रहा है भाई लॉस सैंटोस के अंदर? भाई एक नाले के अंदर इतना सारा गोल्ड? गाइस आपने अभी न्यूज में देखा मेरे साथ भाई उन गरीब लोगों को कितना सारा गोल्ड मिल गया यार। अबे भाई मुझे तो पता ही नहीं
नहीं था यार। गाइजर अगर मैं भी वहाँ पर जाऊँ तो भाई मुझे भी बहुत सारा गोल्ड मिल सकता है, और भाई मुझे तो ये सब काम करना ही नहीं पड़ेगा यार। और गाइज आपको पता है भाई लॉस सैंटोस के अंदर भाई एक गोल्ड की ब्रिक की कीमत है भाई पूरे के पूरे 20 लाख रुपए यार। अगर भाई इतने सारे गोल्ड के ब्रिक्स मुझे मिल गए तो भाई मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। अबे भाई ऐसे तो मजा आ जाएगा यार। अबे वाह भाई ये तो बढ़िया सीन है। एक काम करता भाई बड़ा से पहले चलता भाई सिंचाई के पास और भाई उसको लेकर चलोगे भाई बहुत सारा गोल्ड ढूंढने के लिए। बट यार गाइस ये भी चीज हो सकती है वहाँ पर भाई बहुत सारे लोग अभी इस न्यूज को देखकर आ गए होंगे भाई गोल्ड के ब्रिक्स ढूंढने के लिए। अबे भाई ये लोग बिना पहले तो चलो गाइस एक काम करते चलते बड़ा से। और भाई ये क्या यार मेरी टैक्सी अभी तक नहीं आई। अबे ये टैक्सी वाला कहाँ रह गया यार, अभी दिमाग खराब कर दे रहा है यार मैं कैसे जाऊंगा। एक सेकंड भाई यहाँ पर देखो साइकिल है। चलो भाई काम करता इसी साइकिल को उठाते और चलते भाई। वैसे तो भाई एक चोरी हुई बट छोड़ो भाई अब तो मैं चोरी करूंगा उससे भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तो बस भाई अभी बहुत ज्यादा अमीर बनने में बिलीव रखने वाला हूँ भाई साहब। अभी जाकर बहुत सारा गोल्ड ढूंढूंगा और भाई जाकर उस सारे के सारे गोल्ड को बेच दूंगा। फिर तो भाई मैं भी अपना एक बड़ा सा घर ले लूंगा इस अमीरों के मोहल्ले में। फिर तो भाई मजा आएगा यार। वैसे तो गाइस यार मेरे पास एक कार भी नहीं है, कार भी खरीद लूंगा। अबे छोड़ो भाई मैं कहां सपने देख रहा हूँ। पहले तो एक काम करता गाइस फटाफट से जाकर सिंचाई को बताता हूँ इस न्यूज के बारे में और फिर भाई उसी को लेकर चलूंगा भाई बहुत सारा गोल्ड ढूंढने के लिए। भाई आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस यार। आज का दिन तो एकदम बढ़िया है भाई मेरे लिए। चला 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 भाई मजा आने वाला आज तो। अगर गाइस आप लोग भी भाई साहब मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश हो तो गाइस यार एक काम कर देना यार फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस चलते फटाफट से भाई सिंचाई के पास और भाई जाकर बताते उसको सारी की सारी कहानी। तो चलो लेट्स गो। चलो 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 लेट्स गो। भाई साहब अभी ठोक जाता भाई मेरे ट्रक वाले को। ओ भाई साहब बच गया यार गाइस। अभी चलो चलो भाई चलते फटाफट से भाई सिंचाई के पास। भाई साहब उसको जाकर बताऊंगा हेलो भाई सिंचाई। अरे थैंक यू पापा अभी गए बिल्कुल भाई सिंचाई में आ गया और भाई तेरे लिए एकदम बढ़िया वाली न्यूज भी लेकर आ गया। क्या मेरे लिए बढ़िया वाली न्यूज? बिल्कुल भाई सिंचाई तेरे लिए एकदम खतरनाक वाली न्यूज लेकर आया मैं। अच्छा बताओ यार कौन सी न्यूज लेकर आए तुम? अरे भाई सिंचाई मेरी बात सुन यार। रुक जा भाई यहाँ पर साइमन एक काम करते भाई थोड़ा साइड में चलते हैं। अरे नहीं यार फैंकी भाई मैं नहीं आ सकता अपना काम छोड़ के। अबे तू आ ना भाई काम वाम छोड़ भाई हम लोग तो आज काम ही छोड़ने वाले हैं। क्या काम छोड़ने वाले हम लोग? बिल्कुल भाई सिंचाई आज से भाई हमारा नसीब बदलने वाला है और भाई हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला है। क्या बात कर रहे हो बहुत ज्यादा अमीर ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे भाई तू इधर आ भाई तुझे बताता मैं सारी की सारी कहानी। अच्छा बताओ क्या हो गया? अच्छा सुन भाई सिंचाई मेरी बात सिंचाई अभी जो कार में डिलीवर करने गया था वहाँ पर भाई वो इंसान ने मुझे बताया कि भाई लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत बड़ा नाला है उसके अंदर भाई बहुत सारे लोगों को गोल्ड मिल रहा है। यार क्या बात कर रहे हो तुम गोल्ड? फिर भाई सिंचाई मुझे भरोसा नहीं हुआ यार। उसके बाद में भाई सिंचाई मैंने अपने आंखों से देखा भाई न्यूज के ऊपर कि भाई 3 गरीब लोगों को भाई साहब बहुत सारा गोल्ड मिला है। क्या बात कर रहे हो सच्ची में? बिल्कुल भाई सिंचाई उनको बहुत सारा गोल्ड मिल गया। उसके बाद में तो भाई सिंचाई तुझे क्या ही बताऊ। अरे बताओ बताओ जल्दी से मुझसे रहा नहीं जा रहा सुनने के लिए। अरे भाई सिंचाई तुझे पता है एक एक गोल्ड की ब्रिक की कीमत है भाई 20-20 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो 20-20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए तो यार बहुत ज्यादा हो गए। अबे बिल्कुल भाई सिंचाई बट यार उनको वैसे कितने ब्रिक्स मिले गोल्ड के वो तो बताओ। उनको मिला है पूरे पूरे 30-40 ब्रिक्स। क्या बात कर रहे 30-40 ब्रिक्स? ऐसे तो यार उनको मिल जाएंगे कुछ 10-20 करोड़ रुपए। बिल्कुल भाई सिंचाई तूने सही कहा यार 10-20 करोड़ तो वो लोग आराम से कमा लेंगे। इसलिए भाई सिंचाई मैं सोच रहा कि भाई चल यार हम दोनों भी चलते भाई बहुत सारा गोल्ड ढूंढने के लिए। क्या पता भाई हमें भी बहुत सारा गोल्ड मिल जाए वहाँ पर, फिर तो भाई हमारा भी नसीब चमक जाएगा। अरे यार आपकी बात तो सही है, एक काम करते चलो साइमन अंकल को बताते हम लोग आज से काम छोड़ रहे। बिल्कुल भाई सिंचाई आ जा भाई। अभी जाकर साइमन का काम छोड़ दे साल, आज मुझे बता रहा था सर बोलने के लिए। अब इसको दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ओहो भाई साइमन कैसा है तू? अरे फ्रैंकी मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना मुझे सर बोला करो, बोल गए तुम। अबे साइमन टकले कैसा है तू? अबे क्या इस बार तो तुमने टकला बोल दिया मुझे। अबे बिल्कुल भाई तू टकला है तो टकला ही बोलूंगा ना तुझे मैं। अरे फ्रैंकलिन आखिरी बार बोल रहा हूँ, नहीं तो काम से निकाल दूंगा मैं। अबे जा भाई निकाल दे काम से, मुझे डर नहीं लगता भाई तुझसे। अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें आज से काम से निकाल देता हूँ। अरे बिल्कुल भाई मैं भी यही चाहता था। चलो भाई सिंचन चलते यहाँ से। अब फ्रैंकलिन कहाँ जा रहे हो तुम सच में छोड़ के जा रहे हो क्या? अरे बिल्कुल भाई मुझे अभी तेरी काम की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो भाई अभी बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो ऐसे कैसे बन जाओगे तुम अमीर? अरे तुझे क्या करना है भाई, वो हम लोग हमारा देख लेंगे। तू बस भाई अपने शोरूम के लिए कुछ नए लोग ढूंढ ले। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन रुक जाओ यार मेरे लिए। अरे जा भाई मैं नहीं रुकने वाला। पर यार फ्रैंकी भी हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे उस नाले तक? अरे तू फिक्र क्यों करता है भाई सिंचन, मैंने चोरी करनी छोड़ दी थी बट भाई आज से मैं वापिस से चोरी करने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम, क्या आज तुम वापिस से चोरी करने वाले हो? बिल्कुल भाई सिंचन तू फिक्र मत कर, आज तू देख भाई मैं क्या क्या करता हूँ। आ जाओ भाई इस ब्लू वाली कार को उठा दे भाई सब एकदम मस्त लग रहे हैं। अल्लाह सर आ जाओ कार से बाहर। अरे भाई यार आपने तो क्या ही फेंका उनको, उनकी चड्डी देखो पिंक कलर की। अरे हाँ भाई सिंचन तुमने बिल्कुल सही कहा। और भाई सुन लो वो देखो भाई वो इंसान तो सीधा मेरे पीछे भाग रहा था, पर छोड़ो भाई सिंचन को यार। ये देखो भाई मैंने फाइनली अपनी दूसरी चोरी कर ली भाई एक दिन के अंदर। देख रहे भाई मैं चोरी करने के अंदर कितना ज्यादा माहिर हो गया हूँ। बट भाई चोरी वोरी छोड़ो भाई, अब तो भाई मुझे बहुत ज्यादा अमीर बनना है। उसके लिए गाइस मुझे जाकर बहुत सारा गोल्ड ढूंढना होगा। चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलते भाई पड़ा चो शिवर के पास और भाई जाकर देखते भाई हमें वहाँ पर अभी कितना सारा गोल्ड मिलने वाला है। अगर गाइस आप लोग चाहते हो कि भाई सिंचाई और मैं मिलकर भाई बहुत सारे गोल्ड ढूंढे तो गाइस यार एक काम कर देना पड़ा इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं शिवर के पास। तो चलो गाइस एक काम करते सीधा शिवर के पास पहुंच कर मिलते हैं, लेट्स गो। लगभग पहुंचने वाले गाइस, यहां से हमें नीचे जाना। ये देखो गाइस लॉस सैंटोस के गवर्नमेंट ने यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए ताकि गाइस
गाइजर अंदर कोई जा ना सके। लगता है गाइजर अभी लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट चाहती है यार उनके एम्प्लॉय जाकर भाई बहुत सारे गोल्ड ढूंढे। बट गाइज हम लोग किसी से डरते नहीं, सीधा नीचे जाएंगे और भाई बहुत सारे गोल्ड को ढूंढ कर निकालेंगे। भाई आज तो मजा आने वाला है। बट भाई अभी यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, अबे ये देखो ये रहा जाने का रास्ता। और गाइज ये देखो भाई कितना बड़ा शिवर है भाई। अब भाई इसके अंदर हम लोग गोल्ड कैसे ढूंढेंगे? अरे भाई तो यार फेंकी पे कैसे ढूंढेंगे हम लोग? अब भाई सिंचन मैं क्या बोलता हूँ, तू एक काम कर भाई, तू उस तरफ जा भाई गोल्ड ढूंढने के लिए। और भाई मैं काम करता हूँ, सीधा जाता हूँ गोल्ड ढूंढने के लिए। नहीं यार फेंकी पे हमारे पास कोई और कार नहीं है, एक काम करते इसी कार के अंदर घूम घूम के ढूंढ लेंगे। अब यार भाई ये भी दिक्कत है, एक काम करते चलो भाई ढूंढ ही लेते। वैसे भाई उन लोगों को कहाँ पर पड़ा हुआ मिला था गोल्ड? यहाँ पर बाहर या फिर पानी के अंदर? अब यार ये क्या दिक्कत की बात है भाई, जब मैंने पूरी न्यूज देखी नहीं। एक काम करता गाइस दोनों तरफ ही ढूंढ लेता हूँ, पहले इस तरफ से चलते हैं बाद में भाई उस तरफ से चलेंगे भाई गोल्ड ढूंढने के लिए। चलो यार चलते हैं। वैसे गाइस यार ये देखो भाई शिवर के अंदर कितना गंदा पानी है। ओहो भाई साहब कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर। एक काम करते बीचों बीच चलते हैं भाई, दोनों साइड देखकर चल जाएंगे, हमारा भाई टाइम भी बच जाएगा। बट यार फेंकी भी हमें कोई गोल्ड नहीं मिला तो हमारा काम भी चला गया वैसे भी आज। अबे भाई सिंचन तू फिक्र मत कर भाई, मैंने देखा भाई तीन गरीबों का नसीब चमकते हुए, हमें भाई साहब कहीं ना कहीं पर तो भाई एक आध गोल्ड का ब्रेक तो मिल ही जाना चाहिए। अच्छा ठीक है चलो ढूंढते यार, वैसे उस तरफ हम लोगों ने देखा ही नहीं यार। हाँ रुक जा भाई सिंचन देखते, लेट्स गो, घुमाता हूं अपनी कार को। अबे ये क्या भाई यहाँ पर तो टायर पड़े हुए। रुको भाई वापस से यू टर्न मार के उस तरफ जाकर देखते हैं यहाँ पर भाई कुछ है क्या। अबे नहीं भाई यहाँ पर भी भाई कुछ नहीं है, मुझे लगता है भाई हमें वापस रिटर्न जाना पड़ेगा। एक सेकंड, अबे सिंचन ये देख भाई साहब यहाँ पर कितना सारा गोल्ड है। कहाँ पर? अरे वो देखना भाई सामने उस ब्लू वाले ट्रेन के ऊपर रखा हुआ है। क्या बात कर रहे, चलो चलो दिखाओ मुझे। आ जा भाई सिंचन ये देख भाई यहाँ पर कितना सारा गोल्ड है। और भाई ये क्या गाइस तुम लोग देख रहे हो, हमारे पास तो भाई कितना सारा गोल्ड है यार, भाई मजा आ गया। थैंक यू, चलो एक काम करते पड़ाचे सारे के सारे गोल्ड को ले चलते हैं। बड़े भाई सिंचन तू ये देख यार, ये गोल्ड के ब्रिक्स भाई यहाँ से लगे हुए भाई सीधा अंदर जा रहा है। कहीं भाई अंदर और भी बहुत सारा गोल्ड तो नहीं? क्या तुम्हें लगता है अंदर हो सकता है? अबे हाँ भाई सिंचन देख ना यार, ये यहाँ पर आकर खत्म हो गया। भाई मुझे ऐसा लगता है भाई हो तो सकता है, अगर नहीं हुआ तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अबे हाँ भाई तेरी बात भी सही है। वैसे गाइस यार अभी तुम लोग देख रहे हो भाई कितना सारा गोल्ड है यहाँ पर। एक काम करते हैं फटाफट से सारे के सारे गोल्ड को भरते अपने कार के अंदर और चलते हैं भाई फटाफट अपने घर पे। भाई आज तो मजा आने वाला है। अरे बच्चे इस गोल्ड को छोड़ो, तुम एक काम करो अंदर आ जाओ, एक गेम खेलते हैं। अबे कौन बोला बे? अरे मैं बोल रहा हूँ पेनीवाइज। क्या पेनीवाइज? अबे कौन है भाई तू, और भाई कहाँ से बातें कर रहा है तू? अरे मैं तो अंदर हूँ, तुम एक काम करो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा। अबे भाई पागल बना रहा क्या? अगर भाई तू हमें अंदर बुलाकर हमारा एक गोल्ड गायब कर दिया तो? अरे नहीं यार तुम एक सेकंड अंदर तो आओ, अंदर आके देखो मेरे पास कितना सारा गोल्ड है। अरे नहीं नहीं फ्रैंकली मैं मज्जा अंदर, उसकी आवाज देखो कितनी ज्यादा डरावनी है। अबे हाँ भाई सिंचन तूने बिल्कुल सही कहा यार, उसकी आवाज तो कितनी ज्यादा डरावनी है। अगर गाइस हम लोग अंदर गए और भाई उसने हमें पकड़ पकड़ लिया तो? अरे हाँ फ्रैंकली आपकी बात भी सही है, एक काम करते इसी गोल्ड को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अरे जैसी तुम्हारी मर्जी, इतने कम गोल्ड को लेकर चले जाओ, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बनाना चाहता था, पर तुम्हें नहीं चाहिए तो छोड़ो यार, मैं क्या ही करूँ, मैं किसी और को करोड़पति बना दूंगा। क्या कहा भाई तू, करोड़पति बनाएगा मैं? बिल्कुल यार, तुम्हें बस एक गेम खेलना है मेरे साथ। गेम खेलना है? अबे ऐसा कौन सा गेम खेलना है भाई? अरे वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट सबसे पहले तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा गेम है वो। अगर भाई तूने हमें कुछ कर दिया तो? अरे नहीं यार, भरोसा रखो मेरे ऊपर, तुम बस अंदर आओ। अच्छा ठीक है भाई आ ही जाता हूँ। चल भाई सिंचन एक काम करता है, इस कार को लेकर सीधा चलते भाई अंदर और भाई जाकर देख लेते भाई कौन सा गेम खेलने के लिए बोल रहा है वो। अरे हाँ चलो चलो फ्रैंकली भाई चलकर देख लेते कौन सा गेम खेलने के लिए बोलेंगे और साथ ही साथ हमें करोड़पति बनाने वाला है। बिल्कुल यार वो तो देखेंगे। वैसे गाइस आपने देखा भाई वो जो कार आज सुबह में डिलीवर करने गया, उसके पैसे भाई अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। अबे यार भाई ये अभी मुझे साइमन को देने पड़ेंगे। चलो भाई वो तो बाद में दूंगा, एक सेकंड। अबे ये क्या भाई, ये कौन है? अरे मैं हूं पेनीवाइज। क्या तू पेनीवाइज है? अरे बिल्कुल यार, मैं हूँ राक्षसों के दुनिया का राजा। क्या बात कर रहा है भाई तू, राक्षसों के दुनिया का राजा है? बिल्कुल यार, मेरे पास बहुत सारी खतरनाक वाली पावर्स है, जिनसे यार ये देखो मैंने कितना सारा गोल्ड मंगवाया यहाँ पर। अबे हाँ भाई गाइस तुम लोग ये देखो भाई यहाँ पर तो सच्ची में कितना सारा गोल्ड है। देखा मैंने कहा था ना मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, तुम तो बस यार वो छोटा मोटा गोल्ड लेकर यहाँ से जाने वाले थे। अरे हाँ यार अभी आपकी बात तो सही है, बट यार आप बता दो आप हमसे कौन सा गेम खिलवाने वाले थे। अरे हाँ हाँ बच्चे मैं बताता हूँ, बट अगर तुम्हें मेरा वो गेम खेलना है तो उसके लिए तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। क्या बहुत सारे पैसे? अरे बिल्कुल यार, अगर तुम मुझे बहुत सारे पैसे देते हो तो मैं तुम्हें उस गेम की एंट्री दे दूंगा, और जैसे ही तुम उस गेम को कम्प्लीट कर दोगे तुम्हें यार मैं बहुत बढ़िया वाली पावर्स दूंगा, जिससे यार तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। अबे क्या बात कर रहा है, पागल तो नहीं बना रहा मुझे तू? अरे नहीं मैं क्यों पागल बनाऊंगा तुम्हें, अगर तुम्हें मेरी वो पावर चाहिए तो तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, जो कि तुम्हारे पीछे वाले बैग में रखे हुए हैं। अबे तुझे कैसे पता भाई मेरे बैग में पैसे है? मेरे पास बढ़िया वाली पावर्स है, जिनसे मैं जो चाहिए वो देख सकता हूँ। अबे क्या बात कर रहा है तू? अरे बिल्कुल यार, अब दे दो पैसे और यार मैं तुम्हें एंट्री दे देता हूँ अपने गेम के अंदर। अबे भाई ये कहाँ फंसा दिया इसने मुझे, यार दे दो फैंकी भी और यार जाकर देख लो कौन सा गेम है वो। अच्छा ठीक है भाई दे देता हूँ, अगर भाई कुछ गलत किया ना तूने मेरे साथ भाई तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भरोसा रखो मेरे ऊपर। अच्छा ठीक है भाई ये ले मेरी बैग।
बैग। अब बता भाई मुझे कौन सा गेम खेलना है, मैंने तुझे भाई अपने सारे के सारे पैसे तो दे दिए। अच्छा रुको अभी मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करता अपने उस गेम के ऊपर। 1 2 3 टेलीपोर्ट। अबे ये कहां पर आ गया भाई, गिर गया। ओ भाई साहब जोर से लगे। 1 सेकंड यार मैं ये कहां पर आ गया यार, 1 सेकंड भाई यहां पर तो कितनी सारी बाइक्स है। अबे ये कौन सा गेम है भाई, अबे कहीं ये मुझसे कोई बाइक पार्कर तो नहीं कराने वाला। अरे सुनो मेरी बात। अरे कौन बोला भाई, अरे यहां पर पीछे। अबे 1 सेकंड भाई यहां पर तो 3 लोग है। अबे पता नहीं भाई ये मैं कहां पर आ गया। अरे भाई तुमने आवाज दिया था क्या? अरे बिल्कुल यार मैंने आवाज दिया था। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो, तुम्हें यार एक ही मौका मिलने वाला है इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। अबे क्या बात कर रहा है तू भाई, मैंने पूरे 10 करोड़ दिए इस चैलेंज के और तू बोल रहा भाई बस एक ही मौका मिलने वाला है। बिल्कुल यार बस एक ही मौका मिलने वाला है। अगर तुम इस चैलेंज को बस एक ही मौके के अंदर कंप्लीट करते हो तो तुम्हें वो बड़े वाले पावर्स हमारे पेनीवाइज सर से मिल जाएंगी। अगर तुम सीधा नीचे गिर जाते तो समझ जाना तुम्हारे सारे सारे पैसे चले गए तुम्हारे हाथों से। अबे यार भाई ये कहां फंस गया यार। अबे छोड़ो भाई बताओ यार मैं जा सकता हूं अभी? अरे बिल्कुल बिल्कुल जाओ जाओ, तुम्हारा चैलेंज स्टार्ट होता अभी। चलो गाइस चलते भाई फटाफट से और भाई देखते हैं पार्क और रेस कैसे होने वाली है। बट भाई इनमें से कौन सी बाइक लेकर जाओ जो कि भाई मुझे एकदम बढ़िया तरीके से पार करा दे। एक काम करूं कौन सी लेके जाओ, चलो भाई सोली बाइक को लेके चलते हैं, ये बाइक थोड़ी ढंग की तो लग रही मुझे। चलो 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 लेट्स गो गाइस, देखते भाई मैं इसको कंप्लीट कर पाता हूं या फिर नहीं। अभी गाइस मैं यहां से सीधा नीचे गिरने वाला था भाई, मैंने देखा ही नहीं था कि भाई यहां से रास्ता ही नहीं है। चलो गाइस ये देखो ये रहा रास्ता, चलते यहां से। और भाई यहां से नीचे देखो भाई मैं कितनी ज्यादा ऊंचाई पे हूं। अबे भाई ये तो एकदम खतरनाक सीन है यार। और भाई ये देखो बीच बीच में क्या क्या रखा हुआ है। चलो चलो लेट्स गो गाइस, एकदम अभी आराम से इस पार्क और रेस को कंप्लीट कर दे और भाई बन जाते विनर यार इस चैलेंज का। फिर तक गाइस यार मुझे बहुत बढ़िया वाली पावर्स मिलने वाली है, लेट्स गो देखते। ओहो भाई मजा आ रहा है यार। बट गाइस डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है भाई, अगर मैं गिर गया ना तब तो भाई एकदम तकड़े के लिए दिक्कत होने वाली है। बट छोड़ो गाइस ये देखो यहाँ से मुझे ऊपर चढ़ानी अपनी बाइक को, लेट्स गो। ओहो लग जा ब्रेक। ओ भाई साहब मैं बच गया यहाँ से, तो अब गाइस यहाँ से सीधा जाना है। और भाई ये क्या मुझे इन बॉल्स के ऊपर से जाना है? ओहो भाई साहब ये तो तगड़ा सीन है यार। भाई अगर मैं गिर गया ना भाई एकदम गलत सीन होने वाला है। नहीं नहीं फ्रैंकली भाई आप नहीं गिरोगे यार, आप एकदम बढ़िया कर रहे हो। क्या भाई सिंचाई तू मुझे देख पा रहा है? बिल्कुल यार फ्रैंकली भाई मैं यहाँ से आपको देख पा रहा हूँ। जाओ जाओ फटाफट से कंप्लीट कर दो, आप तो यार बाद में बहुत ज्यादा रिच बनने वाले हो। बिल्कुल भाई सिंचाई तूने सही कहा, अब तो देख भाई मैं क्या करता हूँ। बट उससे पहले गाइस यार मुझे अभी यहाँ से एकदम खतरनाक वाली जंप लगानी पड़ेगी। थोड़ा रन बैक लेते गाइस, लेट्स गो लगाते अभी एकदम खतरनाक वाली जंप। ओ भाई साहब आ गया यहाँ पर। गाइस यार तुम लोगों ने देखा कितने छोटे से छेद के अंदर से मैं ऊपर आ गया भाई। चलो मजा आ गया भाई साहब, ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया भाई। ये तो एकदम हार्ड होते जा रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ। ये देखो भाई इस बार तो मुझे अभी एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर से जाना है। अबे यार ये क्या खतरनाक वाला चैलेंज है। अबे यार चलो गाइस ट्राई करते हैं चलने के लिए, लेट्स गो चलते हैं फटाफट से आगे। आराम से आराम से आराम से कंप्लीट हो गया। ओहो गाइस मजा आ गया, ये तो कंप्लीट कर दिया मैंने। अब भाई यहाँ से ऊपर चलना है, लेट्स गो। ये तो आ गया ऊपर। और भाई ये क्या अभी यहाँ से क्या करना है? अभी यार मुझे लगता है यहाँ से वैसे ही आगे जाना है। रुको भाई यहाँ से थोड़ी बाइक भगानी होगी, लेट्स गो। भाई आ गया ऊपर, अब भाई यहाँ से चलते आगे। ओ भाई साहब बच गया यार गिरते गिरते। गाइस अभी मैं सीधा नीचे गिरने वाला था। ओ भाई बच गया बच गया बच गया। चलो गाइस यहाँ से भी ऊपर जाना, लेट्स गो। ओ भाई साहब आ गया ऊपर। अब गाइस यहाँ से देखो भाई ये चैलेंज आई थिंक चेंज हो गया। यहाँ से भाई मुझे अभी ऊपर आई थिंक जंप लगानी है। अबे भाई ये क्या खतरनाक सीन है भाई, अगर जंप लगाने के चक्कर में नीचे गिर गया ना तब तो भाई दिक्कत होने वाली है। छोड़ो छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, लगाते एकदम बढ़िया वाली जंप, लेट्स गो। ये दिया एक्सीलरेटर और ये आ गया भाई आगे। ओ भाई साहब तुम लोग देख रहे हो गाइस, मैंने सीधा इसको कंप्लीट करके यहाँ पर आ गया। ओहो भाई साहब तुम लोग देख रहे हो, मैंने सीधा ये व्हाइट एंड पिंक वाली लाइन को भाई स्किप ही कर दिया भाई, इतनी खतरनाक वाली जंप लगा दी। ओहो चलो गाइस ये तो अच्छा हुआ। अब भाई मुझे यहाँ से जाना है भाई एकदम खतरनाक तरीके से, पर भाई कैसे जाऊंगा? अब गाइस मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे यहाँ से एकदम खतरनाक तरीके से अपनी बाइक भगानी होगी। चलो चलो गाइस भगाते अपनी बाइक को यहाँ से। अगर गाइस आप लोग चाहते हो कि भाई साहब मैं इस खतरनाक वाले चैलेंज को एकदम आराम से पार कर दूं तो गाइस यार एक काम कर दो भाई, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। मैं और सिंचन तो आपके भाई की तरह है, तो गाइस यार कर दो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब, लेट्स गो। भाई साहब यहाँ तक तो मैं आ गया गाइस अपनी बाइक को भगाकर, और भाई अभी यहाँ से मुझे यहाँ पर जंप लगानी, लेट्स गो लगाते बढ़िया वाली जंप। ये देखो पहुंच गया। अब भाई यहाँ से थोड़ा आराम से चलते। ओ भाई मैं आ गया यहाँ पर। और ये क्या भाई यहाँ पर तो कितनी सारी आ गए। अबे यार ये सब क्या है? चलो गाइस कोई बात नहीं फिर भी चलते, लेट्स गो। और भाई ये क्या, ये तो नकली वाले आ गए। अबे वाह भाई ये तो पागल बनाने के लिए रख दिया। चलो गाइस चलते लेट्स गो। भाई यहाँ पर आ गया। और भाई यहाँ से कैसे जाना है भाई, ये तो एकदम तगड़ी दिक्कत है। चलो गाइस चलते वापिस, लेट्स गो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, गिर ना जाए। चलो लेट्स गो, ये भी हो गया कंप्लीट। अब भी चलता है यहाँ पर, लेट्स गो। ये भी करता है कंप्लीट, ये भी हो गया। और गाइस आखिरी बचा हुआ है, मजा आने वाला है, लेट्स गो चलता है। ओहो भाई ये भी हो गया कंप्लीट। अब भाई यहाँ से कहाँ पर जाना है? अब भाई ये क्या है? अब भाई ये कैसा चैलेंज है भाई? अब भाई इतना ज्यादा खतरनाक कौन बनाता है? मैंने बनाया इसको इतना ज्यादा खतरनाक ताकि तुम इसको कम्प्लीट ना कर सको। अब क्या भाई तू भी यार, तू भाई फिक्र मत कर पेनीवाइज, भाई मैं इसको कम्प्लीट करके दिखाऊंगा तुझे अभी। अच्छा तो करो कम्प्लीट। अच्छा ठीक है भाई, तू देख भाई मैं क्या करता हूँ। लेट्स गो गाइस चलते बड़ा।
ये देखो यहाँ पर मैं आ गया भाई, यहाँ से आगे यहाँ पर भी आ गया भाई मैं। ओह गाइजर ये तो एकदम खतरनाक है भाई। बट यार गाइस मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है। चला 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 देखते भाई। लो भाई यहाँ पर भी आ गया भाई, इसको कम्प्लीट करके अब गाइस बस आखिरी बचा हुआ है भाई साहब, इसको कम्प्लीट करना है। अगर भाई मैंने इसको भी कम्प्लीट कर दिया तो भाई मजा आएगा। और ये क्या भाई बर्गर वर्गर रखे यहाँ पर। अबे छोड़ो भाई इसको बड़ा से कम्प्लीट करते हैं। लेट्स गो चलते 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 चलते। ये देखो गाइस इसको भी भाई मैंने एकदम बढ़िया तरीके से कम्प्लीट कर दिया। अब चलो भाई आगे चलते हैं भाई, ये तो एकदम खतरनाक वाला सीनियर गाइस। तुम लोग ये देख रहे हो इतना पतला रास्ता कौन देता है भाई। पर छोड़ो भाई मैं तो इसको एकदम आराम से कम्प्लीट करके आगे तो आ गया हूँ भाई। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखो गाइस फाइनली मैंने इसको कम्प्लीट कर दिया। और भाई ये देखो मैं ये कहाँ पर पहुंच गया, ये बर्गर वाले एरिया पे। चलो गाइस यार इसको तो मैं एकदम आराम से चुटकी बजाते हुए कम्प्लीट कर सकता हूँ। तो गाइस यार आपको भी मजा आ रहा ना गाइस इस चैलेंज को कम्प्लीट करते हुए। ये देखो भाई इस टनल तक पहुंच गया। अब भाई चलते आगे। ये देखो गाइस यार यहाँ पर कितने बड़े बड़े भाई स्प्राइट्स के कैन है। मुझे लगता है मुझे इनको भी कम्प्लीट करना होगा। अरे हम लोग क्या डरते हैं क्या भाई, इसको भी कम्प्लीट कर देंगे एकदम मस्त तरीके से। ये देखो भाई ये भी हो गया कम्प्लीट। और भाई यहाँ से बस थोड़ा आगे जाना है। अबे यार यहाँ फंस गया बीच में। चलो गाइस ये भी हो गया अपना एकदम बढ़िया तरीके से कम्प्लीट। ओह भाई बच गया बच गया बच गया, पीछे चलता फटाफट से। ओहो भाई साहब फाइनली बच गया यार। अभी गाइस मैं नीचे गिर जाता यार, मुझे लगा यहाँ पर कुछ होगा बट कुछ नहीं था यार। ये देखो गाइस मैं अभी यहाँ पर भी आ चुका हूँ इस पटरी के ऊपर। भाई ये तो एकदम आसान था भाई। अरे क्या बात कर रहे हो, रुको रुको अभी तुम्हें पता चलेगा आगे तुम्हें करना क्या है। अच्छा ऐसी बात है, चलो भाई देखते भाई और कितना ज्यादा हार्ड होने वाला है ये चैलेंज। चलो गाइस ये देखो भाई मैं यहाँ पर भी पहुंच गया। यहाँ से क्या करना है भाई, ये देखो ये एक छोटा वाला ब्रिज है, लगता है भाई इसके ऊपर चढ़ानी अपनी बाइक। लेट्स गो, ये चढ़ गई भाई अपनी बाइक भी। और भाई ये क्या करना है, यहाँ से भाई लेफ्ट मारना है। चलो भाई लेफ्ट भी मार लिया। और भाई ये क्या है, रुको भाई मुझे लगता है यहाँ पर कुछ होगा यार। अबे नहीं भाई ये तो आसानी से हो गया। अरे हाँ ये तो हो गया बट यहाँ से तुम्हें एकदम खतरनाक वाली जंप भी लगानी है। क्या बात कर रहा है भाई, मुझे यहाँ से जंप लगानी है। तुम्हें यहाँ से सीधा जाकर यहाँ पर जंप लगाकर यहाँ तक तुम्हें इस फिनिश लाइन तक पहुँचना है, तभी तुम्हारा ये चैलेंज कम्प्लीट होता है। अच्छा ऐसी बात है, चलो भाई देख लेते यार भाई ये चैलेंज अभी कैसे कम्प्लीट कर पाता मैं। चलो गाइस देखते अभी क्या होता है। लेट्स को लगाते अभी फटाफट से एकदम खतरनाक वाली जंप। लेट्स गो गाइस लगाते अभी एकदम खतरनाक वाली जंप। लेट्स गो, वो भाई पहुंच गया भाई, मजा आ गया। देख रहा भाई पेनीवाइज तो भाई मैं पहुंच गया यहाँ पर। अरे फ्रैंकलिन तुमने कैसे कंप्लीट कर लिया। अरे भाई मैंने कहा था ना मेरे लिए भाई कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है भाई, सब कुछ पॉसिबल है मेरे लिए, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब एक काम कर भाई फटाफट से मुझे अपनी पावर्स दे दे, जिससे कि भाई मैं जो चाहे मांग सकता हूँ। अरे रुको रुको अभी देता हूँ। अबे क्या बोल रहा है तू, एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है। अबे भाई मेरे अंदर से ये धुआं कौन सा आ रहा है, और भाई इतने सारे पैसे कैसे उड़ने लग गए। अरे अरे तुम फिकर मत करो, तुम बस एक काम कर दो ऊपर से नीचे जंप लगा दो, यहाँ पर तुम सीधा हमारे पास आ जाओगे। अच्छा ऐसी बात है, रुको भाई अभी लगाता हूँ। वैसे भाई ये धुआं क्यों आ रहा है वो तो बता दे मुझे। अरे वो तो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, मेरी पावर्स बस तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रही है। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है भाई वो तो देखेंगे भाई ये धुआं जाने के बाद भाई तूने मुझे कौन सी पावर दी है। वो भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं, एक सेकंड पैराशूट लग गया यार भाई गिर गया। वैसे भाई पेनीवाइज ये देखो, ये रहा पेनीवाइज। अल्लाह भाई ये देख यार ये धुआं तो रुक गया, बता भाई मेरे पास पावर्स आ गई वो। अरे बिल्कुल आ गई, इस्तेमाल करके देख लो। वैसे बता भाई कैसे इस्तेमाल करना है, वो तो तुमने अभी तक बताया नहीं। अरे मांग लो अपने मन के अंदर जो चाहिए वो सारे की सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। अच्छा ऐसी बात है, रुको भाई अभी मांगता हूँ। तो चलो भाई अभी एक काम करो यार, अभी यार क्या मंगवाओ भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, चलो भाई यहाँ पर अभी एकदम मस्त वाली डायमंड की रॉयस रॉयस आ जाए। अरे ये क्या सीन है भाई, यहाँ पर तो सच में आ गई। अरे यार पेंगी भाई देखो पूरी की पूरी डायमंड की, ये तो बिल्कुल भाई सिंचाई तुमने सही कहा यार। वैसे भाई पेनीवाइज बता यार ये पावर्स मेरे पास कितने दिनों के लिए है। ये तो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए दे दी मैंने। अरे वाह वाह ये तो बढ़िया यार। चल भाई थैंक यू सो मच यार पेनीवाइज भाई, तूने तो हमारा नसीब ही बदल दिया। अरे कोई बात नहीं, जाओ जाओ मजे करो। अरे थैंक यू सो मच यार। चलो गाइस अभी चलते हैं इस डायमंड की लैम्बोर्गिनी को लेकर कहीं पर एकदम बढ़िया वाला घर खरीदने के लिए। भाई साहब मैं तो सोच रहा एक बड़ी सी बिल्डिंग खरीद लूं। नहीं नहीं बिल्डिंग नहीं, एक बड़ा सा मेंशन खरीद लेंगे, वहाँ पर एकदम मस्त तरीके से रहेंगे और यार बहुत सारा गोल्ड डायमंड मंगवाएंगे। ठीक है भाई सिंचा जैसे तू कहे। तो गाइस अभी मैं और सिंचा तो जा रहे एकदम मस्त वाला मेंशन खरीदने के लिए। और भाई वहाँ पर आप लोग देखना भाई मैं कौन कौन सी बड़ी वाली कार्स मंगवाऊंगा, आपको भी गाइस देखना मैं कौन कौन सी चीजें मंगवाता हूँ। तो गाइस यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार। हाँ गाइस आपने अभी तक नहीं किया तो कर देना फटाफट से। अभी तो चलो यार चलते हैं फ्रैंकली मस्त वाला एक बड़ा सा मेंशन खरीदने के लिए। हाँ गाइस चलते फटाफट से अभी मस्त वाला मेंशन खरीदने के लिए, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस यार आप लोग देख सकते हो ये सामने वाला मेंशन खरीदा है भाई मैंने और सिंचन ने मिलकर पूरे पूरे 1000 करोड़ में। रुको भाई मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि भाई साहब मैंने क्या क्या मंगवाया भाई यहाँ पर। ये देखो गाइस यार कितनी सारी महंगी महंगी गाड़ियां है। रुको मैं आप सभी को फटाफट से एकदम बढ़िया
ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। तो गाइजर ये देखो यार, ये रहा हमारा पूरा पूरा 1000 करोड़ रुपए का मेंशन, जो कि भाई तुम लोग देख सकते हो यार कितना ज्यादा बड़ा है। ये तो गाइजर इस मेंशन की फ्रंट साइड है, आपको यार मैं पढ़ा इस मेंशन की बैक साइड दिखाता हूँ। ये देखो गाइजर बैक साइड में ये रहा भाई कितना बड़ा स्विमिंग पूल, और भाई यहाँ पर देखो हम लोग मस्त वाली पार्टी भी कर सकते हैं। और इस तरफ तो देखो भाई कितने सारे पैसे रखे हम लोगों ने मंगवा कर, भाई अगर हमारी ये पावर चली भी गई ना बाई चांस कभी, फिर भी यार हमारे पास देखो कितने सारे पैसे बचे रहेंगे। और इधर देखो भाई कितना सारा गोल्ड है भाई, इतने सारे चीजें मंगवा कर तो भाई मेरा दिल खुश हो गया। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे करके और भी बढ़िया वाली चीजें खरीदूं, जो कि गाइस यार आपको देखने मिलेगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। अगर गाइस आपको आज के हमारी ये वीडियो पसंद आए तो गाइस यार एक काम कर देना, बड़ा से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस चलो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं और सिंचन मिलते हैं ऐसे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।